एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो, ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं, जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए, ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से यह हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी कट्टड़ बेईमान है, कट्टड़ बेईमान। और ये आज विधानसभा के अंदर सबने देखा, उनके एक एमएलए खुद ही साबित कर रहे हैं कि वो बेईमान है। रिश्वत के पैसे विधानसभा में लेके आए और बोले मेरे को टोकन मनी मिला है, देखो मैं एलजी के पास गया, मैं दिल्ली पुलिस के पास गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अरे भाई, तुमने टोकन मनी नर्सिस को अस्पताल में भर्ती करने के लिया क्यों? क्योंकि तुम बेईमान थे, तुम रिश्वत ले रहे थे। और जब तुम उनको नौकरी नर्सिस को नहीं दिलवा पाए, अब तुम पकड़े गए, तो तुम्हें लगा कि अब नर्सिस शोर मचाएंगी और मैं जेल जाऊंगा, तो तुमने आज विधानसभा का और इनका स्पीकर साहब का कवच पहनने की कोशिश की।